पाँच, इस तरह से पहला मेरा शुरुआत हुई 5,000 रुपये एलेम्बिक के नानोवेमिन से, फिर किसी से 500 लिए, किसी 100 लिए, किसी 1,000 लिए, ऐसे करके फिर एक लोन ली गवर्नमेंट से, कुछ ऐसा करके कुछ पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा करके, जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसमें $550 की फ़ी निकली। मेरे शिप का पता नहीं कितना था, शिप का तो किराया मैं तो भूल गया, शिप का किराया, और मेरी जेब में $40 थे जब मैंने बम्बई छोड़ा शिप के शिप में। इस तरह से मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। आपने पूछा था क्या कि मुझे बताना कि कैसे अभी आगे अमेरिका पहुँचे? हाँ, अमेरिका, हाँ, तो वहाँ से निकल करके मैं तो वो शिप में 13 दिन लगे मुझको बम्बई से, तो हम बीच में कैरो रुके, मम्मी देखा, म्यूजियम देखा, ये देखा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यार हम अमेरिका जा रहे हैं, हैट तो होनी चाहिए, वहाँ लोग हैट पहनते हैं। हैट खरीदी $20 की हैट, एक दिन भी पहने नहीं मैंने, लेकिन हैट खरीदी। और वो शिप, और जब हम मेडिटेरेनियन में निकले इटली की तरफ, तो ऐसा शिप रोल हो रहा था, ऐसा इस तरह से पूरा, हम बैठ नहीं सकते थे, आपको पड़े रहना पड़ता था होल्ड करके, और इतनी उल्टियाँ होती थी, यानी एक अभी खाना देखा नहीं, खाया तो है नहीं, देखा भी नहीं, खाली एक विचार अगर आ जाए दाल या चावल और उल्टी हो जाती थी, इतनी उल्टियाँ हुई। एनीवे वो सारा उस पर से गुजर करके फिर वो शिप हुआ, हम ट्रीस्टी पहुँचे, ट्रीस्टी इटली, सदर्न इटली, फिर वहाँ से ट्रेन में बैठ करके स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस होता हुआ लंदन, शिप फेरी में बैठ करके लंदन पहुँचा, और वहाँ रात को सैल्वेशन आर्मी में सोया, कैसे हुआ भगवान जाने। और सुबह पैन एम की फ़्लाइट थी अमेरिका के लिए शिकागो की, उस पैन एम की फ़्लाइट में शिकागो आया, और शिकागो से फिर बस ली, और बस में बैठ करके फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन कैंपस आया। तो जब मैं कैंपस पे, जब मैं मेडिसिन उतरा, तो मेरी जेब में सिर्फ $20 थे, एक पैसा दूसरा मेरे पास नहीं था। इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई, और वहाँ वो तो फिर बहुत लंबी कहानी है कि कैसे हुआ, लेकिन इस तरह से मेरी यात्रा अमेरिका की हुई यूनिवर्सिटी में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, रियल एडवेंचर, कैसे आप अमेरिका पहुँच गए। अब एक जिज्ञासा होती है मन में कि आपका ओशो से संपर्क कैसे हुआ, कैसे ओशो से हुआ? अब उसका ऐसा है कि बीच की सारी गैप को मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, तो पता नहीं अस्तित्व के रूप में मेरे पास एक लेटर आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एक कोर्स पढ़ाने के लिए मुझे वो इनवाइट कर रहे हैं, और किसने मेरा नाम दिया मुझे कुछ पता नहीं, उनको मैं तो जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे अमेरिका में आए हुए। तो उसमें ये था कि उन दिनों यंग लोगों में इंडिया के प्रति बहुत रुचि थी। अगर आपको याद होगा, एक हिप्पी मूवमेंट हुआ करती थी, हिप्पी मूवमेंट, फिर महेश योगी, हरे कृष्णा मूवमेंट, बीटल्स, इन लोगों ने इंडिया के प्रति खूब जिज्ञासा यंग लोगों में खड़ी कर दी थी। तो यंग लोगों को उस इंडिया के बारे में जानना था, तो यूनिवर्सिटी ने उनके लिए एक कोर्स बनाया, द कल्चरल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ऐसा कोर्स बनाया, ताकि इंडिया के बारे में जान सके कि इंडिया क्या है, और उसको पढ़ाने के लिए मुझे इन्वाइट कर रहे थे वो, ये कोर्स पढ़ाना है। तो मैंने कहा ये अच्छा है, पैसे तो थे नहीं, मैंने कहा अपन जाएंगे, एक आध टर्म कोर्स पढ़ा लेंगे, कुछ पैसा बन जाएगा तो फिर वापस विस्कॉन्सिन आ करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। तो मैं वहाँ बर्कली पहुँचा, बर्कली कैंपस पे, तो संक्षेप में आ रहा हूँ मेरे पॉइंट पर, तो वो सोचा था कि एक आध टर्म, वो कोर्स इतना पॉपुलर हुआ कि मैं 4 साल वो कोर्स को पढ़ाया मैंने। मेरी क्लास में कम से कम 80-80 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ऐसे लॉबी में खड़े रहते थे सुनने के लिए, तो 4 साल तक उसको मैं, एनीवे उस वक्त जब मैं कोर्स पढ़ा रहा था वहाँ पर,
तो एक आध एक पार्टी में हम बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर प्रसाद करके थे, वो कनाडा से आए हुए थे, तो उनसे बातचीत हो, तो मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा हूँ वगैरह। मैंने कहा कि मैं पीएचडी करने आया हूँ लिटरेचर का, ये वो। बोले तुम इंडिया जा कर के लिटरेचर में प्रोफेसर हो जाओगे, इससे इंडिया का क्या भला होगा। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैंने तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, डिग्री ले करके चला जाऊँ, लेकिन इंडिया का क्या होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि तुम करो तो कुछ काम इंडिया का, मतलब। मैंने कहा मैंने तो ऐसा, तो कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम लिटरेचर को छोड़ो, तुम एजुकेशन में पीएचडी करो, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, पुराने समय से चल रहा है, अभी बहुत नए नए चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, वहाँ पर एक नए एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए, और तुम अगर उसमें कुछ कर सको तो। अब मैंने, मुझे एकदम क्लिक तो हुआ उस बात में, दम तो था, तो लेकिन वो इतनी बात छू गई मुझको, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं लिटरेचर को छोड़ देता हूँ और एजुकेशन में पीएचडी कर लेता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कली के एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो कहते हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों, मेरे को यू ऑलरेडी हैव अ पीएचडी। मैंने कहा वो तो है, बट दैट पीएचडी इज़ नॉट इन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम दिस कंट्री और दिस यूनिवर्सिटी। She says, doesn't matter. You have a PhD on paper, that's about it. We cannot admit for second PhD. ठीक है। Anyway, to make it very short, तो मैं फिर मैं वहाँ से resign करके, छोड़ करके मैं Chicago आया, तो University of Michigan, Ann Arbor, वहाँ पर मेरा एक मित्र जो मेरे साथ बड़ौदा में पढ़ता था, ऋषिकेश मारू उसका नाम था, वो इकोनॉमिक्स में कुछ PhD कर रहा था, उसको पता चला, अरे उसने कहा तू आया हुआ, चल यहाँ पर आना, अपन मिले नहीं बहुत साल से, गपशप करेंगे, मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं शिकागो से ड्राइव करके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर जो कैंपस है, बड़ा बड़ा कैंपस, वहाँ मैं पहुँचा। तो वहाँ जा कर के फिर मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में गया, मैं उन्होंने डॉक्टर कूपर थे, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, एक टेस्ट लेनी थी, परीक्षा दी, टेस्ट मैंने पास कर दी और उन्होंने मुझको एडमिशन। इस तरह से मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एजुकेशन में पीएचडी करने के लिए मुझे 71 में मुझे एडमिशन मिला, 1971 में। 71 तक मैंने बर्कली में पढ़ाया था और 71 के फॉल से मुझे यहाँ पर मिला। 70 से 73 मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। उस वक्त अब हम मुद्दे की बात पे आ रहे हैं, ओशो की प्रवचन माला थी महावीर मेरी दृष्टि में, उसको मैंने सुना या पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पढ़ा होगा, और मेरे मन को इतना छू गया वो, इतना भर गया मैं, कि मेरे मन में बस एक ही बात हो रही थी कि मुझे इनके दर्शन करने। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, थोड़ा बहुत सुन रखा था जब इंडिया छोड़ने से पहले कि उनके ध्यान होते हैं वगैरह, लेकिन वैसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो महावीर मेरी दृष्टि में उसको पढ़ने या सुनने के बाद इतना ये हुआ कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन जाएँ कैसे, पहले तो पीएचडी पूरी करनी है। तो एनीवे 73 में पीएचडी पूरी की, तो इंडिया जाने के पैसा कहाँ है, तो फिर नौकरी मुझे यूनिवर्सिटी, फिर शिकागो में मैं डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च शिकागो में, वहाँ से नौकरी शुरू की जनवरी में 74 में। एक साल मैंने नौकरी करके पैसा जमा किया और 10 जनवरी 1975 को मैं प्लेन से बम्बई आया पुणे आने के लिए। तो मैं ट्रेन में मुंबई से पुणे आ रहा था, तो मेरे सामने एक पारसी आदमी बैठा था, तो मुझे कहता है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं रजनीश आश्रम, भगवान रजनीश के दर्शन के लिए। रजनीश आश्रम, नो 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 नो, वो कोई जाने जैसी जगह नहीं, वहाँ मत जाइए। मैंने कहा मैं तो जाने के लिए आया हूँ और मैं तो जाऊँगा, मैं आपको पता है वहाँ क्या होता है। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं। बोले मैं, हमने ऐसा कहते हैं कि जब उनके सामने कोई बैठता है तो वो हिप्नोटाइज कर देते हैं। और मुझे वो कहता है आप जब उनके सामने बैठो तो अपने पास एक पिन रखना, तो आप चिपका देना पिन, तो हिप्नोटिज्म काम नहीं करेगा। मैंने कहा तुम चिंता, उसे क्या दया है ज्योति में, उसने जट से लेकर ऐसा कार्ड निकल गए, अगर कुछ भी हो जाए तो
तुम सीधे मेरे पास आ जाना, कुछ भी अमेरिका कुछ चिंता मत करो। एनीवे रेलवे स्टेशन के पास होटल में मैंने कहा करके इस तरह से मैं 10 जनवरी को मैं पहुंचा। तो उन दिन अभी ओशो बम्बई से पुणे आए हुए थे।